लौंग, कपूर और बतासा, ये तीन चीजों की सामग्रियों से, ये तीन चीजों के सम्मिश्रण से आपके अपने जीवन में नाना प्रकार के सुख बढ़ सकते हैं। शादी के बाद अगर आपके जीवन में सुख नहीं है, परिवार में अगर आपके कलह है और आपका जीवन खुशहाल नहीं है, जीवन तब बहुत नश्वर हो जाता है, जीवन तब असामान्य हो जाता है जब आपके जीवन में सब कुछ हो और कुछ नहीं होने जैसा लगे। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है। शादी हो नहीं रही हो या शादी चल नहीं रही हो, शादी मनचाही करनी हो या लव लाइफ में, रिलेशनशिप में किसी प्रकार की दिक्कत हो, लव विद एस्ट्रोलॉजी सीधा समाधान करती है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को श्रेष्ठ करने का एक बड़ा माध्यम है। यहां पर पिछले 20-21 सालों से लोगों के जीवन में खुशियां भरी जा रही हैं। 20-21 सालों में अभी तक जो लोग सफल हो चुके उनकी संख्या 21 लाख है और यहां का सक्सेस रेट 95% प्लस है और सब कुछ निरंतर जारी है, क्योंकि यहां गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है और वो रिसर्च सीधा आपके साथ साझा किया जाता है। जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए, बेहतर करने के लिए, पूरा का पूरा संसाधन जुटाने के लिए, आपको बहुत स्पेशल बनाने के लिए काम किया जाता है। अब आज जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं, ये यात्रा कुछ दिनों से YouTube पर भी चल रही है और YouTube पर भी हमारे परिवार में 125,000 के ऊपर लोग सदस्य हैं हमारे परिवार में। तो इस कुटुंब में, इस परिवार में बड़ी संख्या में लोग इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि यहां सबका काम होता है। सबका मतलब सबका, 95% प्लस में जब बोलता हूं, जब मैं 96 बोलता हूं तो समझना कि 2-4-5 लोग, 100 लोग में से 2-4-5 ऐसे होंगे जिनका काम शायद नहीं हो। शायद परमात्मा की बड़ी मेहती कृपा है कि यहां 100 में से 100 लोगों के काम हो जाते हैं। ये जीवन, ये व्यवस्था उत्कृष्ट लेवल पे काम कर रही है। आज की यात्रा थोड़ी महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको सिखा रहा हूं लौंग, कपूर और बतासा, ये तीन चीजों की सामग्रियों से, ये तीन चीजों के सम्मिश्रण से आपके अपने जीवन में नाना प्रकार के सुख बढ़ सकते हैं। शादी के बाद अगर आपके जीवन में सुख नहीं है, परिवार में अगर आपके कलह है और आपका जीवन खुशहाल नहीं है, जीवन तब बहुत नश्वर हो जाता है, जीवन तब असामान्य हो जाता है जब आपके जीवन में सब कुछ हो और कुछ नहीं होने जैसा लगे। मृगमरीचिका किसे कहते हैं शायद तभी पता चलता है जब आप शब्दों में कोई चीज सोचते हैं, समझते हैं, कोई ऐसी फिल्म देखते हैं, कोई ऐसी पिक्चर देखते हैं तो मन भर जाता है, लेकिन जब खुद के साथ बुरा होता है तो मानो मन खत्म हो जाता है, टूट जाता है। व्याधि विपत्ति असरंक कालम विदेह मूर्ति समुष्कदंच, साहब ये बिल्कुल उस प्रकार से होता है कि मानो देह तो है पर जान नहीं है अंदर, सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं उस समय जब अपना ही व्यक्ति धोखा दे रहा होता है। दुनिया में जब पति और पत्नी एक दूसरे के नहीं हो सके, इससे बड़ा कुछ नहीं होता। किसी का भाई उसका अपना नहीं है, किसी की बहन उसकी अपनी नहीं है, किसी का परिवार उसका अपना नहीं है, चल जाता है इंसान पूरी दुनिया में। मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन सबको कभी ना कभी अलग होना पड़ता है अपने फैमिली परिवार से, कभी ना कभी होना ही पड़ता है, वरना तो आज एक एक परिवार में कई कई हजार लोग रह रहे होते। लेकिन
अगर कोई अलग नहीं होता है तो वो होता है निजी परिवार। एक होता है इनर सर्किल और एक होता है आउटर सर्किल। आउटर सर्किल भी अलग हो तो कष्ट होता है, जिस प्रकार सर्प अपनी केचुल छोड़ता है कष्ट होता है, लेकिन उस केचुल के छूटने से उसका उतना ही नुकसान होता है जितना उस समय दर्द होना होता है, बाद में वो और निखर जाता है। थोड़ी सी ये विषमता है, इस बात को थोड़ा और आप गंभीरता से और गहराई से समझने की कोशिश करिए। विश्व में अगर सब एक हुए होते तो शायद आज कई हजार लोग एक साथ रह रहे होते, ये संभव नहीं है। हर बार कभी न कभी परिवार से जो अतिरिक्त लोग हैं वो धीरे धीरे अलग होते ही रहते हैं। कोई अलग कौन नहीं हो पाता, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है आप ये मिडिल फिंगर जोड़कर नमस्ते करिए। मिडिल फिंगर को ऐसे मोड़ लीजिए अब अंदर की ओर और आपस में रख करके नमस्ते करिए। अब आप कोशिश करिए अंगूठा उठाने की तो उठ जाएगा, पहली उंगली उठाने की कोशिश करिए उठ जाएगा, छोटी उंगली उठाने की कोशिश करिए उठ जाएगी। अगर कोई नहीं उठ रही है तो वो है रिंग फिंगर यानी अनामिका उंगली, ये वाली छोटी वाली की ठीक बगल वाली, ये उंगली नहीं उठेगी। क्यों? इसी उंगली में इंगेजमेंट करते हैं, इसी उंगली में शादी के लिए अंगूठी पहनाते हैं, यही उंगली वो है जो सीधा जिसका कनेक्शन तुम्हारे हार्ट के साथ है, तुम्हारे दिल के साथ, ये नहीं उठेगी। क्यों? पति पत्नी ही एक ऐसे है जो मृत्यु से पहले अलग नहीं होते। वो पता नहीं किसने ये कुरीति बना दी, पता नहीं किसने ये कुनीति का जन्म दे दिया, वो तलाक होना और पता नहीं क्या क्या होना। हाँ, गलत व्यक्ति साथ में आ जाए तो वो टूट जाए, बुरा नहीं है, लेकिन जैसे तुम छोड़ना नहीं चाहते वो जब टूट जाए तो समझो सब कुछ समाप्त हो जाता है, जीवन में कुछ नहीं बचता, ऐसा लगता है कि मानो सब समाप्त हो गया। शास्त्र कहता है अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशस्य पुत्रोर थकरी च विद्या सदजीव लोकस्य सुखानि राजन। छह प्रकार के प्रमुख सुख है, उसमें से सबसे ज्यादा सुख केवल और केवल फैमिली की बात की जा रही है, अपनी पत्नी, अपना पति, अपना संपत्ति, अपना बच्चा, अपना बेटा, अपना बेटी, अपना परिवार, निजी बिल्कुल इनर सर्किल की बात हो रही है। वो छह के छह सुख में, बाकी सब आउटर सर्किल है। मैं संयुक्त फैमिली के पक्ष में हूं, मुझे अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कोई चीज पसंद है तो संयुक्त फैमिली पसंद है। हमें लगता है कि हो सकता है दुनिया में बहुत सारे लोगों को पसंद होगी या हो सकता है सबको ही पसंद हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा मोड़ आता है जीवन में जब आपको अलग होना ही पड़ता है। माँ से भी, बाप से भी, बहन से भी, भाई से भी, बहन की शादी होगी, भाई का भी शादी होगा, सबके अपने अपने परिवार होंगे। आप अगर अलग नहीं होंगे तो आपके आगे आने वाली जनरेशन, आपके बच्चे होंगे वो अलग होंगे, वो अलग नहीं होंगे तो उनके बच्चे अलग होंगे, कभी ना कभी अलग होना ही पड़ेगा, ये नियम है। अगर कोई अलग नहीं होता, सुबह दोपहर शाम रात 24 घंटे अगर कोई परमानेंट साथ हो सकता है तो वो है पत्नी, वो है पति, वो है जीवन साथी आपका। अर्धनारीश्वर की प्रतिमा है आपके अंदर, आधा शरीर आपका, विज्ञान भी ये बात मानती है। एक व्यक्ति के अंदर, चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, दोनों के अंदर स्त्री और पुरुष दोनों तत्व विद्यमान है। एक तरफ स्त्री तत्व है, दूसरी तरफ पुरुष तत्व है, और सबके, हमारे भी दाहिनी तरफ पुरुष तत्व है और स्त्रियों के भी दाहिनी तरफ पुरुष तत्व है, अंग भी परिवर्तित नहीं। ये तत्व की जैसे जैसे समाहिकता बढ़ती है वैसे वैसे उसमें वो तत्व बढ़ जाता है। बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं ऐसी जिनको, जिनका पुरुष तत्व थोड़ा ज्यादा होने की वजह से उनको थोड़ी सी अपर लिप्स पे हेयर आ जाते हैं, एब्रोज ज्यादा हो जाती है उनकी, चेहरे पे बाल आते हैं उनको। ये कोई दोष नहीं है, कुंडली के आधार पर मंगल शनि का संयुक्तिकरण है, केवल सप्तमेश का शनि मंगल गुरु राहु के साथ संसर्ग होना होता है केवल, बात रखने से वो तत्व की बढ़ोतरी होती है और आपके चेहरे पे, शरीर पर अधिक बालों की अधिकता बढ़ती है। ऐसे ही पुरुषों में यही अपोजिट है, उनके बालों की क्षति होती है, उनके शरीर पर रोए बाल कम होते हैं। ये दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं आपके प्यार को डैमेज करती है। कोई भी चीज अधिक है दिक्कत है। न्यूनाधिक्या दोष दोषां प्रमुच्यते, हाँ
कोई भी चीज अधिक होना या बहुत ज्यादा कम होना दोनों ही दोषपूर्ण है। जो जितनी चाहिए उतनी ही चाहिए, न उससे कम न उससे ज्यादा। परमात्मा ने हर एक चीज का एक मापदंड रखा है। मैं ये सब कथा कहानी नहीं सुना रहा, मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पति पत्नी से बड़ा रिश्ता कोई है नहीं। अगर टूट रहा है तो उसे जोड़ने की कोशिश करिए। हताश, परेशान, निराश नहीं होना, आपको दुखी नहीं होना, आपको किसी भी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं, दोषारोपण करने की आवश्यकता नहीं। खास तौर पर ध्यान रखें कि दूसरे की बात बिल्कुल नहीं सुने। भाई ये ना सबसे बड़ा दोषपूर्ण है कान। आपको पता है दुष्ट लोगों की गणना, दुष्ट लोगों की तुलना शास्त्रों में किस चीज से की गई है? मच्छर से, खून पीने वाले से। मच्छर सबसे पहले आपके कान के आसपास आके गुनगुन 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 करता है, काटता नहीं है पहले। वहां से हटेगा तो आपके पैरों के पास जाएगा, चरण बंदन करेगा। सब दुष्टों की के स्वभाव है। फिर जैसे ही आप चूके तो आपका खून पीना शुरू कर देगा। दुष्ट व्यक्ति यही तो करता है, पहले आपके कान भरता है, आपको बेवकूफ बनाता है, आपको मीठी 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 बातों में फंसाता है, और फिर आपके चरण बंदन करता, आपका सेवक बनने का नाटक करता है, और फिर मौका लगते ही जय सिया राम, जय जय सिया राम, फिर कुछ नहीं दिखता उसको। तो साहब बचें ऐसे लोगों से। आपको सलाह लेना, परामर्श लेना, अपने दिल की बात हल्की करना, किसी को कुछ बताना, किसी से कुछ सुनना, ये सब दोषपूर्ण है। सोच समझ कर, हर व्यक्ति के साथ नहीं करते ये सब। हम पानी भी साफ सुथरा और विशुद्ध पीना चाहते हैं। आप जब कान से भी कुछ पीते हो, सुनते हो, तो वो दोषपूर्ण है। नवधा भक्ति में बड़ी भक्ति बताई गई है कि हाथों को सेवा में लगाना, पैरों को तीर्थाटन में लगाना, कानों को सत्संग सुनने के लिए लगाना, आंखों को भगवान दर्शन में लगाना, हर इंद्री का अलग अलग दर्शन बताया है। हम जब बुरी चीजें सुनते हैं, खराब चीजें सुनते हैं, जिनको हम चाहते हैं, जिनको प्रेम करते हैं, जिन्हें पाना चाहते हैं, जिसे सर्वस्व बनाना चाहते हैं, उसी की बुराई सुन रहे हैं। अरे भाई, हमसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता फिर तो। मैं अपनी लाइफ की एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, मैं कभी भी सफाई नहीं देता। सफाई मतलब समझते हो ना? मुझे कोई भी आकर के बोले कि ऐसा है, आज हमारे बहुत पुराने जानकार, नाम नहीं लूंगा, थोड़े दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, थोड़ा काम ही उनका वैसा है लोगों के साथ, उनको सिर्फ धन दिखता है। उन्होंने एक मुझे पोस्ट भेजा किसी का, उस पोस्ट में पता नहीं क्या 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 लिखा था। का साहब, हमारे पास समय ही नहीं है इन सब चीजों के लिए। मैं अच्छी चीजें देखता हूँ और अच्छी चीजें सुनता हूँ, मुझे गलत चीजें नहीं भेजे कृपया। मुझे नीड ही नहीं है, ना ही तो किसी की बुराई सुनने में नीड है, ना ही किसी की अच्छाई सुनने में नीड है, मुझे तो परमात्मा का ही गुणानुवाद में आनंद है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। मैं सफाई नहीं देता कभी भी। कोई आकर के ये बोले, कल आप वहां खड़े थे, तो मैं उसे नहीं बताऊंगा खड़ा था या नहीं, क्योंकि तुमने आके डायरेक्ट बोल दिया ना खड़े थे, मतलब तुमने देखा होगा मैं था या नहीं। आपको मुझे पूछना चाहिए था कि आप खड़े थे क्या, मैं बताऊंगा हाँ या ना। आप बोले खड़े थे तो मतलब तुम निश्चित कर रहे हो ना खड़े थे, फिर क्यों बताना तुमको? क्या सफाई देना? सफाई दो लोगों को जरूर पड़ती है, एक मित्र को और एक शत्रु को, और तो कोई होता ही नहीं जीवन जीवन में, है ना? या तो कोई अपना या तो कोई पराया। अपनों को देने की नीड इसलिए नहीं है कि वो जानते हैं कि तुम सही हो, गलत हो ही नहीं सकते, और परायों को, दुश्मनों को इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि वो मानेंगे ही नहीं आपको। आप कुछ भी कह ले, वो तो गलत ही मानते, तभी तो तुम्हारे शत्रु हैं, तभी तो तुम्हारे तुमसे दूर हैं। तो सफाई देना एकदम बंद कर दीजिए। जो सच है वो है, हमें पता है, दूसरे को किसको बताना है और क्यों सफाई देना है? टाइम खराब होता है उससे, अपना टाइम सेव करो। तुम कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हो, तभी तुम्हारे रिश्ते खराब हो रहे हैं। कोई तो है जो तुम्हारे रिश्ते को खराब करके बहुत प्रसन्न हो रहा है, उन सब लोगों को जवाब दो अपनी मौन से। कुछ नहीं कह के बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ कह के सब कुछ खत्म किया जा सकता है। मौन रहना, शांत रहना,
ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण गुरु मंत्र है। सीधा तुम्हें उपाय को लेकर के चल रहा हूँ जिससे तुम्हारा जीवन ठीक हो सकता है। सामग्री सिर्फ तीन चाहिए, कपूर, बतासा और लौंग। मात्र इतने से आपका सब काम हो जाएगा। चलिए जानिए वो तरीका, वो ढंग, वो विश्लेषण, वो व्यवस्था, वो नियम, वो कानून, वो विधि। लेकिन उससे पहले आपके बीच का एक अनुभव आपको साझा कर रहे हैं, आपके साथ आपके बीच का एक अद्भुत रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। आपके दिए उपायों से मेरे सारे बिगड़े हुए काम बन गए हैं। मेरा फ्रेंड जिसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था, अब उसने मुझे हर जगह से अनब्लॉक कर दिया है। अब हम दोनों की लड़ाई जो थी वो सब खत्म हो गई है और वो मुझसे मिलने भी आए थे। सिर्फ यह गुरु जी, यह सिर्फ आपके उपायों से हुआ है। मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। मेरा कोटि कोटि नमन है आपके चरणों में। थैंक यू सो मच गुरु जी, ऐसे ही अपनी कृपा मेरे पे बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। तुम बहुत बढ़िया बच्चे हो, तुम खुद बहुत अच्छे हो, शायद इसीलिए सब कुछ अच्छा हो रहा है, वरना तो कुछ अच्छा नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चल रहे हैं। आपको चाहिए 9 बतासे और 9 ही टुकड़े कपूर के और 9 जोड़े लौंग। ये पूरी की पूरी सामग्री एक साथ रख लीजिए। अब आपको इसके साथ चाहिए एक स्केच पेन। आजकल कुछ पूजा की दुकानों पे लिखने वाले यंत्र, लिखने वाले पेन आते हैं। उसके अंदर स्याही बनी बनाई ऑलरेडी पहले से पड़ी होती है। ये जो लोग भी पूजा सामान रखते हैं, जो लोग इत्र का काम करते हैं, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, जो इत्र इत्यादि का काम ज़्यादा करते हैं, जिनके पास गोरोचन इत्यादि औषधियाँ जिनके पास मिलती हैं, जो आयुर्वेद का थोड़ा बहुत काम करते हैं, उनके पास ये पेन आने लगे हैं। लाजवर्ती और कई सारी स्याहियों के पेन आते हैं, अगर मिले तो अच्छा, नहीं कोई खास दिक्कत नहीं। कोई भी स्केच पेन लेकर के उसमें थोड़ी सी केसर घोल करके डाल दीजिएगा, बस इतना सा काम। लाल, पीला, गेरुहा, भगवा, इनमें से कोई भी कलर लिया जा सकता है। हर बतासे के ऊपर आपको कोशिश करनी है, अपने पार्टनर का के नाम के अक्षर लिख दीजिए। अक्षर कंप्लीट हो जाने के बाद जो बतासे बचते हैं उसमें सम में आप स्वास्तिक बना दीजिए। कपूर के ऊपर अपने नाम के अक्षर लिख दीजिए, जितने भी नाम के अक्षर हैं लिख दीजिए, शेष जो टुकड़े बचते हैं उसमें ओम बना दीजिए। अब आपको वो ओम और स्वास्तिक कोशिश करिए आगे और पीछे लगाइए, एक आगे लगाइए, बाकी बचे हुए सारे पीछे लगा दीजिए। रखते समय ऐसी ढेरी बना लीजिए सामने, और सबके ऊपर दो दो लौंग रखनी है, क्या बोल करके, ओम स्मृति क्या स्मृति क्या गौरी शंकर देवता भ्यो नमः, ऐसे कहके फूंक मारिए और वो जोड़ा रख दीजिए, जोड़ा रख दीजिए। आप उस शक्ति का आवाहन कर रही हैं गौरी शंकर भगवान के साथ साथ, जिसका काम ही है आपका स्मरण दूसरे के जहन में डालना। आपका नाम, आपकी सोच, आपकी व्यवस्था, आपकी याद, आपकी अच्छाइयां दूसरे के जहन में पहुंचा देना, सब पे रखती जाइए। जब आप रख लें, जब आप ऐसा कर लें, तो अंत में सबको एक साथ आग लगा दीजिए। आपको इस आग को एक बार ही जलते हुए देखना है, उसके बाद वहां से घूम कर बैठ जाना है या तो वहां से चले जाना है। जब ये पूरा जलकर स्वाहा हो जाए, खत्म हो जाए, तो ये सारी सामग्री उठा के बटोर करके रखिए और जहां निर्माल्य पुष्प इत्यादि रखे जाते हैं उसमें उठा करके रख दीजिए। ये तरीका, ये नियम मैक्सिमम 3 बार किया जा सकता है, एक ही बार में बहुत पावर आ जाता है। इससे जरा सा भी फायदा हो, तत्काल गौरी शंकर रुद्राक्ष असली अभिमंत्रित किया हुआ जरूर पहन लीजिए, ताकि आपके जीवन को और बढ़िया किया जा सके। प्रदोष व्रत करना इस उपाय के साथ तब शुरू करिएगा जब आपको बेनिफिट शुरू हो जाए। ये दो काम जरूर करिए, आपके वैवाहिक जीवन में तत्काल बेनिफिट मिलेंगे। तो खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो और अपना बहुत ख्याल रखो। रोना मत, परेशान मत होना, दुखी मत होना, उल्टा सीधा मत सोचना, जितना ज़्यादा हो सके अपना ख्याल रखो। पैसों का आदान प्रदान नहीं करो, प्रीवियस लाइफ नहीं बताओ और प्रसन्न रहो। तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूँ।
ओम नमः शिवाय।